वेलकम टू शिव क्लासेस यूट्यूब चैनल पिले आज टॉपिक अच्छे द्विघात समीकरण अनुशूलन टू ए प्रश्न और उत्तर टी बाहर करा सर्टकट ट्रिक्स मध्यम ये हूँ टेन्थ क्लास द्वितीय अध्याय अर्थात क्वेश्चन नंबर वन निम्नलिखित उक्ति गुड़ी त्रुटि को संशोधन कर लेख कौटी त्रुटि अच्छे लक्ष्य करवा फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो समीकरण मूलद्वय वास्तव भिन्न जदि मूलद्वय वास्तव भिन्न आसला तेल कौ सत प्रभेदक अर्थात प्रभेदक सूत्र जानते मूल दर स्वरूप निम्न कर इक्वाल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बुझे बी रान को कैसे देख ये बी है फोर माइनस फोर सेमती ए हूँ एक्स पाखे किसी मैंने वन फोर मान ए सी रोचे मान हूँ फोर अर्थात यार मानट को लिखीद ये माइनस फोर होल स्क्वायर सेमती फोर ए सी फोर ए है वन सी हूँ फोर चारचु षोह नेक्स्ट सेमती चारचु षोह देख बोले ये षोह षोह गले के शून्य रहा शून्य जदि आसला तेल कौन हुए बास्तव एवं सामान अर्थात यह कहींपर मूलदेय बास्तव सामान कितु ये कौन अच्छी मूलदेय बास्तव भिन्न नाई ताल त्रुटि संशोधन करवा ये उत्तर आसव मूलदेय बास्तव वो समान बुझे फास्ट क्वेश्चन जो प्रश्न टी बाहर कर टे लंग लगे बट युवा दु तीन थर दुई तीन थर प्राक्ट करदे देखिए तुमको इजिली पलि आस अर्थात मन सूत्र क्वेश्चन भाव जो सूत्र अच्छे बी स्क्वायर माइनस फोर अच्छे मल्टीप्लाई करदेव उत्तर पलि आसला जदि शून आसला तेरे मूलदेव वास्तव सामान जदि डी ठार अर्थात ये डी गल जीरो जदि डी एमती संख्या आता बुझे ना नहीं डी ग्रेटर देन जीरो आसला अर्थात डी लेस देन जीरो पढ़ाई है जदि डी ग्रेटर देन जीरो आसे मूलदेव वास्तव ओ सामान सेमती डी लेस देन जीरो अर्थात ओ वास्तव अर्थात वास्तव मूल ना यह लक्ष्य कर प्रश्न टीपर उत्तर बुझे पे नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर टू आई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो समीकरण प्रभेदक टू अटे क्या प्रभेदक टू अर्थात ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्वेश्चन देख बी स्क्वायर ये टू आई क्वेश्चन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या इक्वाल टू ना डी इक्वाल टू अर्थात प्रश्न देख एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो ए इक्वाल टू वन बी इक्वाल टू माइनस फाइव सी इक्वाल टू सिक्स देखिपार पे सूत्र आम कौन डी इक्वाल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी रान के देख माइनस फाइव अर्थात पचीस माइनस फाइव स्क्वायर करदे माइनस फोर ए सी फोर वन ए सिक्स अर्थात गुणी दि छौ चबीस तेल पचीस चबीस गल रहा कैसे वन अर्थात डी इक्वाल टू वन अच्छे देख समीकरण प्रभेदक टू अटे ठीक अच्छे कि ना समीकरण प्रभेदक वन अटे एवं देख ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वाल टू जीरो समीकरण मूल द्वर समष्टि माइनस सी बै ए समीकरण मूलद्वय समष्टि माइनस सी बाय ए अर्थात मूलद्वय समष्टि सूत्र तुम जान कौन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एटी देख ए हला ए अर्थात बी हला बी ये हला सी इक्वल टू माइनस सी जो दीघात पॉलीनोमियल हिसाब से आम ए बी सी करते सेमती अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए अर्थात माइनस बी किए अच्छे बी अच्छी अर्थात ये लिखिद बी बदल किए बी अर्थात माइनस बी ए किए अच्छे ए अच्छे ताले उत्तर देख पे कौन आसला माइनस बी बाई ए बुझीपाल ना ये सी एटा हो भूल देख आई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू समीकरण मूलदेय गुणफल बी बाई ए मूलदेय गुणफल सूत्र कौन जानते पे कह ये थ्री आई आई भी मूलदेयर गुणफल सूत्र मूलदेयर गुणफल सूत्र कौन आल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए बुझे पे सी बाई किए ये अच्छे सी ये ए ताल कौन है उत्तर मध्य सी बाई ए एवं लक्ष्य कर पे उत्तर के बहुत मूलदेय गुणफल बी बाई ए तो प्रश्न उत्तर ही भूल अच्छे त्रुटि संशोधन करवा सी बाई ए लिखिदे इ नंबर क्वेश्चन वन और माइनस वन मूल विशिष्ट दीघात समीकरण टी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वाल टू जीरो अच्छे तेज दुईटा मूल अच्छी गोटे अल्फा हो पाए आ गए बीटा हो पाए कि मूल विशिष्ट दुईटा को समाधान करवा जमी दीघात समीकरण टी ये हम पचारे आम आगे परीक्षा करा कौटा वन आ माइनस वन टाइम परीक्षा करवा आउ दीघात समीकरण से भाया हूँ ना नहीं देख दीघात समीकरण जो या गठन करुचे कौन करुचे ना गोटे नौचे एक्स माइनस अल्फा सेमती एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो बुझे पे तेल अल्फा ये कैसे अच्छे मन कर गोटे वन नि आगे बीटा इक्वल टू माइनस वन अर्थात अल्फा इक्वल टू वन बीटा इक्वल टू माइनस वन मानट बस एक्स माइनस वन सेमती एक्स माइनस प्लस वन बुझे पे या समाधान कर या गोटे जीरो इम्प्लाइ दिए ये एक्स एक्स प्लस वन ये माइनस वन एक्स प्लस
1 समथि ये वो x रो स्क्वायर प्लस x समथि याकु यासत करो x माइनस 1 एबे देखो ये प्लस माइनस काट दियो काट दलो रहला के याकु 0 x रो स्क्वायर माइनस 1 देखो पले एठी उत्तर अछि x रो स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ताले उत्तर ढबो x रो स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 बुझ पाला एबे देखो भी क्वेश्चन कोन कहछि x रो स्क्वायर इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण मूल समान नहति x रो स्क्वायर अर्थात हम जो सूत्र थला प्रभेद को सूत्र कोन थला d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac तनु एटी जो लिखितले देखो ई टिका गुर लिखाइतला जे d इक्वल टू 0 d ग्रेटर देन 0 अर्थात मूल दे वास्तव समान थला किए यदि d इक्वल टू 0 आसिला आ यदि d ग्रेटर देन 0 आ d लेस देन 0 तनु d ग्रेटर देन 0 मूल दे वास्तव ओ समान ए हला ओ वास्तव अर्थात वास्तव रो मूल नहीं ए तीनटा कंडीशन आमे थला एबे कहि x रो इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण रो मूल समान नहंती एबे देखो तले d इक्वल टू 0 आसिला d इक्वल टू 0 आसिला कहबो मूल द्वय वास्तव बा मूल द्वय समान मध्ये कोइ परबा बुझला नै तोंडी कोन कहि मूल द्वय समान नहंती एठे देख दो मूल द्वय समान सरला एबे पिले आ कुछ प्रश्न को लक्ष्य करे से एक नंबर प्रश्न 3x रो स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू समीकरण मूल द्वय समष्टि माइनस 3/2 ये बहुत इजी अछि समीकरण मूल द्वय समष्टि आके देखो द्विघात पॉलीनोमियल अछि ना नै ये द्विघात पॉलीनोमियल अछि द्विघात पॉलीनोमियल में कंडीशन आछ ax रो स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल 0 अर्थात हम गुड द्विघात थिबार अछि अछि तापर समीकरण मूल द्वय समष्टि के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सूत्र कोन था मन पको माइनस b / a अर्थात एठी a हला 3 b हला माइनस 2 c इक्वल टू माइनस 1 तनो ये हला माइनस b b की अछि माइनस 2 अर्थात माइनस 1 से डायरेक्ट लिखि दो ये हला प्लस 2 सेमिति a माइनस b अर्थात 3 2 विभक्त 3 एबे लक्ष्य कर पिले उत्तर टिके छे माइनस 3 होत 2 ताले यार उत्तर टि ही भूल छे त्रुटि टा संशोधन कर परबो तेंदि v3 को लक्ष्य कर 3x रो स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू मूल द्वय द्वय रो गुणफल 1 व्यक्त 3 छे मूल द्वय रो गुणफल अर्थात मूल द्वय रो गुणफल कोन छे अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c / a ये a b c c / a रो मान बसेबा अर्थात c के माइनस 1 a के 3 अर्थात जानि परथु उत्तर ताले केतो माइनस 1 विभक्त 3 एबे लक्ष्य कर पिले एटी होत छे 1/3 अर्थात 1 होत 3 ये होचे उत्तर के समान अछि के नाही ये मध्ये त्रुटि टे भूल अछि एबे देखियो दुई नंबर प्रश्न लक्ष्य कर क्वेश्चन अछि गुटे द्विघात समीकरण मूल द्वय 3 व -5 ले समीकरण टी निरूपण कर गुटे मध्ये शॉर्टकट ट्रिक्स कर देबा अर्थात याकु नै जाओ x - अल्फा x - बीटा ये ला दुई नंबर क्वेश्चन x - अल्फा मूल द्वय की अछि याकु गुटे अल्फा नियो आ गुटे बीटा नियो 3 अल्फा बीटा ला -p 5 तथा अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल नबा -5 एबे पले एटी मान बसे दबा अर्थात x माइनस अल्फा मान की होछ 3 सेमिति x बीटा रा मान की होछ -5 अर्थात +5 तबे याको समाधान कर पर इजीली कर परबो अर्थात x याको लियो x x +5 सेमिति -3 x +5 बुझ पाला याको नबा टोटल या सतर गुणीबा सेमिति -3 नबा या सतर टोटल गुणीबा याको सेही इजी ट्रिक्स इछ नै x रो स्क्वायर प्लस 5x सेमिति ये ला -3x ये वो प्लस 5 3 15 अर्थात -15 हो देखो बोले ये प्लस 5 ये माइनस प्लस माइनस माइनस अर्थात x रो स्क्वायर ये वो -2x प्लस 2x प्ले ये वो -15 इक्वल टू 0 बुझ पाले उत्तर टे आराम से त ये होला समीकरण द्विघात समीकरण हमको दुईटा मूल जति थिबो ताले समीकरण रे निम्नय करि परबा ये हो द्विघात समीकरण सूत्र बुझ पाले दुई नंबर टू एम एक्स रो स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 समीकरण मूल द्वय गुणफल 3 हेले m रो मान निरूपण कर समीकरण मूल द्वय गुणफल सूत्र कोन अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c / a गुणफल 3 हेले अर्थात मूल द्वय गुणफल हम केते बाहर ना किंतु बाहर जेची 3 रो मान हेले m रो मान निरूपण को m ना एट जो m अछि ए m रो मान निरूपण करिया देखो बहुत इजी ट्रिक्स अछि पूरा गोटे अल्प 30 सेकंड भीतर ही यार उत्तर मिल जेनो को यदि आगे ट्रिक्स टा बुझाओ 2x प्लस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 एबे देखो गुणफल कते छै 3 गुणफल 3 होला अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c / a अर्थात c होला 2 - 1 सेमिति a के m एबे लिखो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 2m - 1 डिवाइडेड a रो मान की होछि m गुणफल कते छै 3 गुणफल 3 हेले कोन होला गुणफल 3 हेले तन इक्वल टू ए मध्ये 3 लिख देलो बुझ पाले ना नै पले एबे याको समाधान करो अर्थात या त लिखि छै 1 अछि ये आप मल्टीप्लिकेशन कर दियो अर्थात बजर गुणन करो तनु 2m - 1
इक्वल टू 3m याकु पुनि सजे देबा अर्थात mm पाखु को नि आसिया ये माइनस 1 टा पाखु को नि जिबा एबे देखो ये 2m अछि याकु नि आसो 3m इक्वल टू नै जा 1 अर्थात 2m रु 1 कले कोन होला माइनस माइनस 1m इक्वल टू 1 अर्थात याकु माइनस टा को आर पुनि नबा कारण संख्या पाखु नि माइनस रे m इक्वल टू माइनस 1 तबे m रो मूल्य तुम केते मिलला पहिले देखो m इक्वल टू माइनस 1 ही मिल गेला बुझ पाला एबे देखो आई भी प्रश्न 4x² - 2x + 6